चाहत हुई तेरे नाम। अमी, अब आपकी तबीयत कैसी है? लेकिन अशर, इसे कहो अपने कमरे में जाए। अमीन, अशर, जो मम्मा ने कहा है ना वो करो, ज्यादा अग्रीमेंट्स मत करो। तुम आओ मेरे साथ। अशर तुम यहीं बैठो मेरे पास। आखिर खुद को समझती क्या हो? क्यों क्यों गई थी मामा के पास? तुम्हें पता है ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन कबल मैं तो बस, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम चाहती क्या, लेकिन एक बात अच्छे तरीके से सुन ले, जब तक मैं इस घर में हूं ना तुम्हारे ये इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। कौन से इरादे? आप कहना क्या चाहती हैं? तुमने जो ये अपने चेहरे पर मासूमियत सजा रखी है, इससे ना सिर्फ तुम अशर को बेवकूफ बना सकती हो, मैं और मम्मा तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हाँ, एक बात अच्छे तरीके से कान खोल कर सुनो, मुझे डॉक्टर्स ने मम्मा को किसी भी किस्म की टेंशन से दूर रखने को कहा है, इसलिए बराए मेहरबानी अपना ये मनहूस चेहरा मम्मा के सामने लेकर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? निम्रा की इस हालत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। राय क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ना ही आप किचन में आते, ना ही निम्रा हमारी बातें सुनती, ना ही भागती, ना ही गिरती, ना ही उसे चोट लगती। राय सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम उसे रोक नहीं सकते। उसे तो गुस्सा भी बहुत आता है। अब अगर वो कुछ देर रुक जाती तो हम उसे समझा देते ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बहन का सामना कैसे करूंगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, निम्रा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, जाकर उसको समझा देंगे कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल कुछ नहीं है। क्या हो रहा है? देखिए, हमने बच्चे को तो बचा लिया है, लेकिन लेकिन क्या निम्रा ठीक तो है ना? पेशेंट की हालत थोड़ी सी क्रिटिकल है, हम अभी थोड़ी देर में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, हम लोग कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बाकी आप लोग दुआ कीजिए। हीरा, मैंने तुम्हें निम्रा के पास छोड़ा ही इसलिए था कि तुम उसका ख्याल रखो, फिर ये सब कैसे हो गया बेटा? अम्मी, वो रात का टाइम था ना, मैं तो सो रही थी, सब कुछ अचानक हो गया। फरीद तो निम्रा के पास ही होगा ना? क्यों बेटा, तुम्हें भी पता नहीं चला? वो शायद पानी पीने उठी थी, मैं तो सो रहा था। उसके फिसलने पर ही मेरी आंख खुली थी। काश मुझे पता होता मैं अपने बेटे के पास खुद ही रुक जाती तो ये सब तो ना होता। या अल्लाह, मेरे बच्चे को सेहत दे दे माने, मेरे बच्चे को सेहत दे दे अल्लाह।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा कैसी तबीयत है तुम्हारी सास की? मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मैं तुम्हारी सास को हॉस्पिटल जाके देखाऊं। नहीं नहीं, आप हॉस्पिटल मत जाइएगा, वो घर आ चुकी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा कल तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था, वो कह रहे थे जोया से बात करनी है, तुम याद से अपने ऑफिस में बात कर लेना। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो? ओ, आंख जल्दी खुल गई थी तो मैंने सोचा ऑफिस कॉल कर लूँ, काफी फोन आए थे वहां से। अच्छा, एक जबरदस्त चाय तो पिलवा दो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चेंज करके लाती हूँ। मुझे बख्श दे रब العالمین, मेरी बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती अता कर दे मालिक। या अल्लाह मेरी सुन ले, मेरी बच्ची को उसकी औलाद की खुशियां देखना नसीब फरमा। तू रहीम है, रहम कर करम कर। मैं गुनाहगार बंदी हूँ, मेरे गुनाहों को ना देखना, ना बख्श दे। मालिक मेरी बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती अता कर दे। आमीन। तुम यहाँ क्या कर रही? वो मैं अशर के लिए बैटी बना रही थी, आप चाय पियेंगी? नो थैंक्स। तुम्हें मेरी और मेरी मम्मा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ज्यादा चापलूसी करने की। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि मैं आप सब लोगों के लिए भी चाय बना देती हूँ। तुमने मेरे भाई को तो पता नहीं क्या घोल के पिला दिया, अब मुझे और मेरी मम्मा को कहीं जहर ही ना घोल के पिला दो। कमल, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम ना अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अशर के कमरे तक ही महदूद रखो, पूरे घर पे छा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अशर की बीवी हो, इससे ज्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। मेरी ये हैसियत ही मेरी पहचान है कवर, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी इस पहचान पर बहुत खुश हूँ। हेलो जोया, मेरी भी एक बात सुनती जाओ। जी कहिए। तुम्हें अपनी जिस पहचान पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, तो ये मत भूलो कि ये पहचान तीन लफ्जों से शुरू होकर तलाक के तीन लफ्जों पर खत्म भी हो जाती है। मरीज की माँ कौन है? जी मैं हूँ सिस्टर, कैसी है मेरी बेटी? पेशेंट को होश आ गया है और वो आपको मुसलसल बुला रही है। इंशाल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया मेरे माँ, लाख शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं आती हूँ आपके साथ, मुझे भी निम्रा से मिलना है। देखिए रूम में ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, वैसे भी पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। देखिए मैं दूर से देख लूंगी अपनी बहन को, मैं रूम में नहीं जाऊंगी। देखिए हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है, ये तो मरीज के बार बार कहने पे हम इन्हें भेज रहे हैं, आप जा सकते हैं। जी।
तुमने बेटी बनाने में इतना टाइम लगा दिया, नाश्ता बनाने में तो पता नहीं कितना टाइम लगा दोगे। अरे यार मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो? इसी तरह चुप रहोगी तो खुदकुशी कर लूंगा। अर्शद प्लीज, खबरदार आइंदा ऐसा कुछ कहा था। तो फिर चुप क्यों हो, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? वो मैं किचन में गई थी तो वहां कबल मिल गई। क्या कहा उसने? उन्होंने जो कहा ना, उसे सुन के तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अशर प्लीज, मुझसे प्रॉमिस करो तुम जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। यार अभी तो हमारी शादी हुई है, तुम बिछड़ने की बातें कर रही हो। मैं अभी पूछता हूँ उससे, उसने कहा क्या है तुम? नहीं प्लीज मत रोको जोया, मुझे पूछ लेना तुम। आखिर तुमसे प्रॉब्लम क्या है? जब दिल करता तुम्हारी इंसल्ट कर देता। दिस इज नॉट द वे। वो तुम्हारी बड़ी बहन है तो उसका मतलब है कुछ भी कहेंगी, कुछ भी सुनाएंगी तुम। आई डोंट बाय दिस। अशर प्लीज, देखो अम्मी की तबीयत पहले ही खराब है और उसका इल्जाम भी मुझ पर, अगर फिर से उन्हें कुछ हो गया तो। और देखो कवल तो कुछ दिनों के बाद चली जाएंगी ना यहाँ से। प्लीज ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ये डर अपने दिल से निकाल दो। I love you and I love you very much. I love you too. और अब चाय भी लेंगे? नाश्ता भी नहीं करवाएंगे, पहले आप चाय। अब तक तो ठंडी हो गई होगी, दूसरी ला दो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा तुम ठीक हो जाओ फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मम्मा चले उठे नाश्ता कर ले। नहीं भाई मेरा जी नहीं चाह रहा। क्यों? ऐसी कोई कहानी नहीं है, नाश्ता करें। और जब तक आप खाएंगी पिएंगी नहीं तो सेहत कैसे बनेगी आपकी? मुझे सेहत का ख्याल करके क्या करना? क्यों, उस चुड़ैल से मुकाबला नहीं करना जो घर में घुस आई है? हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। पता है अभी जब मैं अंदर गई किचन में तो वो पहले से मौजूद थी। कौन मौजूद थी? वही अशर की बीवी। भाभी कहने को भी दिल नहीं चाहता मेरा उसको। खैर मैंने उसे उसकी औकात याद दिला दी, क्या याद करेगी वो भी। अच्छा ये तुमने बहुत अच्छा किया, दिल खुश कर दिया मेरा। लाओ अब मैं नाश्ता करूंगी। हाँ खूब अच्छी तरह से। वेरी गुड। मेरी छोटी निमला बच्चो छोड़ा कर। देखो बिल्कुल तुम पे गई है। कुछ भी नहीं होगा निम्रा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ऐसी बातें मत किया कर। अम्मा तुझे मेरी फिक्र है ना? मेरी बच्ची
वो कौन सी माँ होगी जिसे अपनी बेटी की फिक्र नहीं होगी। अम्मा खाला भी तो माँ की तरह होती है ना। हाँ निम्रा, अगर तो ये क्या कह रही है। अम्मा मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद तुम हिरा और फरीद की शादी करवा देना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम बेटा। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अम्मा मैं ठीक कह रही हूँ, ऐसा करने से मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और मुझे भी तो पता होगा ना कि मेरी बेटी मेरे अपनों के पास है। निम्रा मत कर ऐसी बातें, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी मेरी बच्ची। अपने हाथों से अपनी बेटी को बड़ा करेगी और उसकी खुशियां भी देखेगी। मत कर ऐसी बात। नहीं अम्मा ऐसा नहीं होगा। अच्छा तुम सो जाओ, बस आराम करो तुम। चलो आंखें बंद करो। तो सोचा सोचा आराम कर। चाहत हुई तेरी।